वो कहते हैं ना, किसी को मंजिल की भूख है तो किसी को पैसे की प्यास है, पर सच कहूँ तो मेरे लिए ये सफ़र ही खास है। हेलो गाइस, मैं हूँ सौरभ और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स इन डिटेल पर। तो एक बार फिर लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, जिसमें आज मैं आप लोगों को हमारे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान की पूरी टूर प्लान बताने वाला हूँ। जैसे कि कैसे जाएं, कहाँ घूमें, कितने खर्च होंगे, बेस्ट टाइम क्या है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अंडमान ट्रिप। ये ट्रिप 5 डे और 4 नाइट की है। सो इस ट्रिप को आसान और यादगार बनाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अंडमान, अ ट्रॉपिकल हेवन फॉर एडवेंचर एंड रिलैक्सेशन। अंडमान बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के आइलैंड का नदन पार्ट है। दूर तक फैला हुआ ये शांत समुद्र और इसका ब्लू क्रिस्टल क्लियर वाटर किसी को भी अपनी ओर आसानी से आकर्षित करता है। अंडमान में लगभग 300 आइलैंड हैं, जो हजारों साल पुरानी हैं। यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और यहाँ की भाषाएं की बात करें तो हिंदी और बंगाली के साथ तमिल, तेलुगु एंड मलयालम आर मोस्ट कॉमन। अंडमान बच्चों से लेकर बुजुर्गों और फ्रेंड से लेकर हनीमून तक सभी के लिए एक बेहतरीन हॉलीडे स्पॉट है। और यहाँ की सबसे बेस्ट सेलुलर नेटवर्क एयरटेल और जियो है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको घुमाते हैं और बताते हैं इस खूबसूरत जगह को। दोस्तों, अंडमान पहुंचने के लिए हमारे भारत के बड़े शहरों से आप बाय फ्लाइट पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। कोलकाता और चेन्नई जैसे शहर से केवल 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अपनी ट्रिप की टिकट्स हो सके तो 1 से 2 महीने पहले बुक कर लें, ताकि आपको कम खर्च में आराम से वहां पहुंच सकें। अंडमान एक आइलैंड होने के कारण यहां बाई ट्रेन या बस से नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप बाई क्रूज यहां पहुंच सकते हैं। द क्रूज टू अंडमान इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस वेयर यू कैन टेक टू द ब्लू वाटर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल। मैं आपको बता दूं, कोलकाता और चेन्नई से हर महीने 3 to 4 times पोर्ट ब्लेयर के लिए क्रूज खुलती है और आपको 60 से 65 घंटे लगेंगे यहाँ पहुँचने के लिए, जिसका एक अलग एक्सपीरियंस का अनुभव आप ले सकते हैं। और इस क्रूज की प्राइस की बात की जाए तो 2600 से लेकर 10,000 रुपए तक लगेंगे, डिपेंडिंग ऑन क्लासेस ऑफ क्रूज लाइक फर्स्ट क्लास केबिन, डिलक्स केबिन एंड बंक क्लास सीट। डिस्क्रिप्शन में मैंने क्रूज की सारी डिटेल्स और एड्रेस दे रखा है, जिससे आप आसानी से बुक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ घूमने का जो बेस्ट टाइम है वो है अक्टूबर से मई तक का, वेयर यू विल एक्सपीरियंस प्लेजेंट वेदर जस्ट फॉर साइट सींग, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड बीच एक्सकर्शंस। मानसून के दिनों में ये जगह को अवॉइड करें बिकॉज ऑफ हाई वेव्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। यहाँ घूमने के लिए आप टैक्सी बुक कर लें, जिसकी कॉन्टैक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप एक कम बजट में घूमने की सोच रहे हैं तो यहाँ लोकल ऑटो मिल जाएंगे एंड द ऑटो चार्ज विद इन द टाउन कॉस्ट ₹20 to ₹40। यू कैन ऑल्सो हायर स्कूटी, जो आपको पूरे दिन की ₹500 लगेंगे। और इस पूरी ट्रिप की होटल्स अपने बजट के अकॉर्डिंग बुक कर लें। वैसे मैंने डे बाय डे होटल्स की कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो इस ट्रिप के आइटिनरी कुछ इस तरह होंगे। सो फर्स्ट डे आप पोर्ट ब्लेयर पहुंचें और अपने होटल में चेक इन कर लें। होटल आप पहले से प्री बुक कर लें और चाहे तो आप यहां अपनी बजट के अकॉर्डिंग रिजॉर्ट में भी स्टे कर सकते हैं। सो यहां घूमने की बात करें तो आज हम लोग कॉर्बिन्स कोव बीच और सेलुलर जेल घूमेंगे। सो फ्रेश होकर आप सबसे पहले कॉर्बिन्स कोव बीच के लिए निकलें। पोर्ट ब्लेयर मेन सिटी से 8 किलोमीटर दूर पर ये बीच सिचुएटेड है। ये बीच यहाँ की फेमस बीच में से एक है। आप यहाँ पर ठंडी बहती हवा के साथ सी फूड का आनंद ले सकते हैं और साथ में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज,
कोकोनट पाम ट्रीज एंड इट्स नियर बाय साइटसिंग पॉइंट्स देख सकते हैं। यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज की बात करें तो आप जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग, सर्फिंग और स्क्यूबा डाइविंग कर सकते हैं, जिसकी अलग अलग प्राइस है। जैसे कि जेट स्कीइंग 20 मिनट के लिए 600 रुपए और स्कूबा डाइविंग के लिए लगभग 3500 रुपए लग सकते हैं। यू कैन इजिली स्पेंड 2 hours एट दिस बीच। इसके बाद इवनिंग में आप सेलुलर जेल के लिए निकले, जो कॉर्विन कोव बीच से 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। इस खूबसूरत नजारों का आनंद लेते आप सेलुलर जेल पहुँचे। यहाँ की थीम की बात करे तो इसे काला पानी भी कहा जाता है। यह भारत के ब्रिटिश शासन के समय एक प्रसिद्ध जेल थी। नेशनल हॉलीडे को छोड़कर जेल पूरे साल विजिटर्स के लिए खुली रहती है। यहाँ पर शाम 6 बजे हिंदी और इंग्लिश में इंडिया के इंडिपेंडेंस पर बेस्ड लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजित होता है। ये जेल 1906 में अंग्रेजों द्वारा बनाया यह 3 मंजिला जेल फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक तीर्थ स्थल है। इसके अलावा इस जेल में म्यूजियम, आर्ट गैलरी और एक फोटो गैलरी भी है, जो सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक सभी दिन खुला रहता है। इसके बाद आप अपनी होटल आएं और रेस्ट करें। और सेकेंड डे विल बी पोर्ट ब्लेयर टू नील आइलैंड, जिसमें आज भरतपुर बीच, लक्ष्मणपुर बीच और सीतापुर बीच देखेंगे। आप अपने होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग नील आइलैंड के लिए निकलेंगे और यहाँ पहुँचने के लिए आपको बाई बोट जाना होगा, जो कि पोर्ट ब्लेयर से 37 किलोमीटर डिस्टेंस है और आपको करीब 2 घंटे लगेंगे। इसके लिए आपको 500 रुपए देने होंगे। यहाँ पहुँचने के बाद आप अपनी होटल में चेक इन कर लें, क्योंकि आज की नाइट स्टे हमारी इस आइलैंड पे होगी। और इस आइलैंड पर पहुंचने के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप गो नॉटिका शिप से आए, विच इज बजट फ्रेंडली एंड प्रोवाइड्स गुड सर्विस। कॉन्टेक्ट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। फ्रेश होकर आप सबसे पहले बोट के थ्रू नील आइलैंड के सबसे मशहूर भरतपुर बीच देखने के लिए निकले। यहाँ पहुँचते ही आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएगी, जिसमें विजिटर्स की भीड़ लगी रहती है। इस बीच की खासियत यह है कि यह बीच काफी साफ सुथरा है, जहां पर आप वॉक करते हुए समुद्र किनारे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और समुद्र के शानदार नजारों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। यहां पर भी आप वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि स्नॉर्कलिंग, जेट स्कीइंग। ये एक्टिविटीज करने के लिए आपको 3000 रुपए लग सकते हैं। इसके बाद आप लक्ष्मणपुर बीच जाएं। यह बीच अमेजिंग सनसेट व्यू के लिए काफी फेमस है, जिसे देखने के लिए कई संख्या में विजिटर्स यहां आते हैं। और इस बीच पर आप अपने पार्टनर और फैमिली के साथ खूबसूरत सनसेट व्यू आनंद लेकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस बीच पर आपको बहुत सारी फूड स्टॉल, सजावट की दुकानें देखने को मिल जाएगी। यह नील आइलैंड जेटी से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके बाद आप सीतापुर बीच जाएं। यह बीच सनराइज और सनसेट के लिए बेस्ट स्पॉट माना जाता है, जो नील आइलैंड के सीतापुर मार्केट से लगभग 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। यह बीच नील आइलैंड के अन्य बीच की तुलना में काफी दूर स्थित है, इसलिए यहाँ पर्यटकों की भीड़ भी बहुत कम रहती है। थोड़ी भीड़ भाड़ से दूर एकांत में अपनी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आएं। यहाँ पर आप आसानी से कैब या ऑटो रिक्शा के जरिए पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आपको फोटोग्राफी, साइट सीइंग और मोमेंट को फील कर पाएंगे। इसके बाद आप अपने होटल में नाइट स्टे करें। और थर्ड डे नील आइलैंड से हैवलॉक आइलैंड के लिए निकलेंगे, जिसमें हम लोग आज बीच नंबर 7 राधानगर बीच को एक्सप्लोर करेंगे। सो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद बाई बोट हैवलॉक आइलैंड के लिए प्रस्थान करेंगे, जो नील आइलैंड से करीब 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है और आपको 1 से 1.5 घंटे लग सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, जिसकी प्राइस लगभग 1000 रुपए पर पर्सन लगेंगे। एंड द शिप इज फुल्ली एयर कंडीशन एंड कंफर्टेबल। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए कॉन्टेक्ट से आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आप अपनी होटल में चेक इन कर लें, क्योंकि आज हमारी नाइट स्टे इसी आइलैंड पर होगी। इसके बाद फ्रेश होकर आप बीच नंबर 7 राधानगर बीच को देखने के लिए निकले,
दिस बीच इज रेटेड एज एशियाज ब्यूटीफुल बीच बाय टाइम्स मैगजीन। यह बीच अपने शांत वातावरण के लिए दुनिया भर में फेमस है, जो बड़ी संख्या में भारतीय टूरिस्ट के साथ साथ विदेशी टूरिस्ट को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। ये बीच अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर, व्हाइट सैंड एंड अमेजिंग सनसेट के लिए जाना जाता है। हरे भरे जंगलों से घिरा ये बीच जो इसके शांत सुंदरता को बढ़ाता है। यहाँ पर भी आप वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि स्क्यूबा डाइविंग एंड स्नॉर्कलिंग, जिसकी प्राइस लगभग 3000 से 3500 रुपए लगेंगे। राधानगर बीच पर आप एलिफेंट बीच भी घूम सकते हैं। एलिफेंट बीच के लिए ट्रैकिंग सबसे अच्छा तरीका है। एलिफेंट बीच की ट्रैकिंग लगभग 2 किलोमीटर की है, जिसे लगभग 30 मिनट में तय किया जा सकता है। इसके बाद आप अपने होटल में आकर नाइट स्टे करें। हमारी डे 4 की आइटेनरी हैवलॉक आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर की रहेगी, जिसमें आज आप एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, नेवल मैरिन म्यूजियम और कॉटेज इंडस्ट्री एम्पोरियम को देखेंगे। सो आफ्टर हैविंग योर ब्रेकफास्ट बाय शिप आप पोर्ट ब्लेयर के लिए निकलेंगे, जो करीब 70 किलोमीटर की डिस्टेंस है और आपको 2.5 घंटे लग सकते हैं। शिप की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिससे आप आसानी से बुक कर सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद पोर्ट ब्लेयर सिटी में फिर से टैक्सी हायर कर लें। सबसे पहले यहाँ हम लोग एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम देखेंगे। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। ये म्यूजियम यहाँ की सबसे बेस्ट देखने लायक म्यूजियम है। ये काफी वेल मेंटेन म्यूजियम है, विच टेल्स अस मोर अबाउट दिस आईलैंड लोकल ट्राइब। These tribes are also believed to be the one of the oldest in the world. इस प्रकार यह म्यूजियम यहाँ के आदिवासी जीवन को समझने और जानने का एक तरीका है। इसकी टाइमिंग की बात करें तो सुबह 9 बजे से 4:30 बजे शाम तक खुली रहती है और मंडे को बंद रहती है, और इसकी एंट्री टिकट 10 रुपए है। इसके बाद हम लोग नेवल मैरिन म्यूजियम देखने के लिए निकलेंगे, जो पोर्ट ब्लेयर से 9 किलोमीटर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। अंडमान इज ऑल्सो नोन एज फिशरीज म्यूजियम। इट प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेटिव कवरेज ऑफ आइलैंड्स इकोसिस्टम, प्लांट्स, एनिमल्स, कम्युनिटीज एंड मरीन लाइफ। ये म्यूजियम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है। इसके बाद हम लोग कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम देखेंगे। ये इंडस्ट्री पोर्ट ब्लेयर सिटी से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। यहाँ की थीम की बात करें तो इट इज वन ऑफ द शॉपिंग प्लेसेस टू विजिट इन पोर्ट ब्लेयर। यू कैन बाय अ स्पेक्ट्रम ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स मेड बाय स्किल्ड लोकल आर्टिसियंस फ्रॉम मदर ऑफ पियर्ल, सी शेल्स, कोकोनट शेल्स एंड वुड। यहाँ पर आप आराम से 2 घंटे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी होटल में नाइट स्टे करें। और लास्ट डे, डे 5, आज हम लोग अपनी होटल में अपने फ्लाइट के अकॉर्डिंग रेस्ट करेंगे एंड देन ट्रांसफर टू एयरपोर्ट टू रीच योर डेस्टिनेशन। दोस्तों, इस पूरी ट्रिप की ओवरऑल बजट की बात करें तो मिनिमम आपको 15,000 रुपए लग सकते हैं। चाहे तो ये ट्रिप आप अपने अकॉर्डिंग पैकेजेस में भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टूर ऑपरेटर्स के कॉन्टेक्ट दे रखा है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।